और ये वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। इस वीडियो में हल्का लड़ाई झगड़ा है, हल्की नोक झोंक है, तकरार है, और उसके बाद मान मनुअल है, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, बहुत कुछ है। आपको उम्मीद से ज़्यादा इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मनीषा जी के साथ नेक्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो कौन सा? तो दोस्तों आप लोगों को यही लग रहा होगा कि ये माही मनीषा जी के साथ मेरा ये नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो कौन सा है। तो आप लोगों को ये दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार का मज़ा लेना पड़ेगा। तो मेरा ये माही मनीषा जी के साथ ब्लॉगिंग वीडियो जल्द ही आने वाला है। और दोस्तों आप लोगों ने ये पिछला वीडियो माही मनीषा जी का साथ जो था उनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक ये 60,000 व्यूज को क्रॉस कर चुका था। और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक हो सके ये उससे भी ज़्यादा हो। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये मेरा माही मनीषा जी के साथ ये पहला ब्लॉग वीडियो था और ये शूटिंग का वीडियो था और उनका जो कर्मा सॉन्ग का था उसका वीडियो था, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया दोस्तों, बहुत प्यार दिया। जितना मैं उम्मीद किया था उससे भी आप लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया और सपोर्ट किया, और उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग ये अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को जल्द ही माही मनीषा जी के साथ बहुत ही खूबसूरत ये शूटिंग वीडियो को ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये कुछ ही दिनों के बाद में आएगा। कुछ ये वीडियो रेडी है, एडिट होके सभी रेडी है, केवल रिलीज होने के लिए बाकी है। तो ये देख रहे हैं दोस्तों ये लोहरदगा शहर के बगड़ू पहाड़ के पास ये बानपुर डैम, वहाँ का ये खूबसूरत दृश्य है, और यहीं का जो ये शूटिंग वीडियो है यही वीडियो नेक्स्ट में आने वाला है। और इनका जो ये जो माही मनीषा जी का ये गाना है, ये वीडियो है, उन्हीं के चैनल में आएगा, MM कुजूर चैनल में। तो आप लोग ज़रूर उनके चैनल को सब्सक्राइब किए कर दीजिएगा ताकि जैसे ही ये माही मनीषा जी ये वीडियो अपलोड करे आप लोगों को ये जो क्या बोलते हैं ओरिजिनल वीडियो आप लोगों को देखने को मिले, और आप लोग उस ओरिजिनल वीडियो को जाके मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और आपको शूटिंग वीडियो देखना है तो शूटिंग वीडियो का ब्लॉग इसी चैनल में आएगा, संग्राम भिले चैनल में आएगा। मनोज जी के लिए स्पेशल थैंक्स, धन्यवाद, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, सहयोग किया ये मेरा ये ब्लॉगिंग वीडियो बनाने में। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। इस वीडियो में हल्का लड़ाई झगड़ा है, हल्की नोक झोंक है, तकरार है, और उसके बाद मान मनुअल है, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, बहुत कुछ है। आपको उम्मीद से ज़्यादा इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये माही मनीषा जी के साथ मेरी पहली मुलाकात कैसी रही उसके बारे में बताते हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों ये माही मनीषा जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे झारखंड के स्टार हैं, बहुत अच्छा सिंगर हैं, एक्टर भी हैं, और उनसे मैं ये क्या बोलेंगे इसको ये लक्की में मिला था। रोड में वो लोग जा रहे थे, रोड में ये सफ़ेद साड़ी और लाल ब्लाउज पहन के रोड में जा रहे थे लोग। तो मैं सोचा ये कहीं का कार्यक्रम होगा, तो मैं पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं मैम आप लोग, तो बोले कि हम लोग का यहाँ शूटिंग है। तो मैं बोला ये मैं एक ब्लॉगिंग चैनल चलाता हूँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ आ सकता हूँ? तो वो लोग बोले कि उनके टीम के सदस्य लोग बोले कि आ जाइए। तो वहाँ जाने के बाद हम देखे माही मनीषा जी को और उनसे बात किए, बहुत अच्छा उनका व्यवहार है, बहुत ही नॉर्मल बातें करती है, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। और उनके साथ थी सिंगर उर्मिला, उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं इन दोनों के साथ बिल्कुल ही अनजान व्यक्ति था, फिर भी इनके साथ मैं पूरा टाइम रहा, पूरा वीडियो को कवर किया। और ये उर्मिला के साथ ये कैमरामैन थे रोहित जी, रोहित का भी व्यवहार बहुत अच्छा था, सपोर्ट बहुत अच्छा था। और साथ में थे हमारे एक ब्लॉगर
राशिद टंटन, राशिद भाई जी, उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा था। उनका भी चैनल है, उनका चैनल भी जाके देखिएगा। उनका चैनल में भी ये माही मनीषा और उर्मिला राव का जो ये शूटिंग वीडियो था बीएस कॉलेज के पास, उनके चैनल में भी है, बहुत अच्छा बना है। उनका कुछ अलग टाइप का बना है, मेरा कुछ अलग टाइप का बना है। तो मेरे तरफ़ से माही मनीषा और उर्मिला और टीम के सभी सदस्यों को मेरी तरफ़ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये था आज का हमारा ब्लॉग वीडियो, माही मनीषा जी के साथ ये दूसरा सेकेंड वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।